जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश की विद्युत, जो कि सौर और जल विद्युत योजनाएं चल रही हैं। तो हम सभी इन क्वेश्चंस को देखेंगे वन टू वन, जो कि हिमाचल प्रदेश की सौर और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं एग्जाम्स के व्यू से, तो हम उन सबको तैयार करेंगे वन टू वन। तो सभी वीडियो को देखने से पहले मैं बता दूं कि आप कॉपी और नोट्स जरूर अपने साथ मेंटेन करें और नोट्स को जरूर एक बार कॉपी करें और तैयारी करें, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हुई होगी। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना रहेगी, तो जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शुरुआत में जो है वो चंबा से हुई थी। ये डबल बार आ रहा है यहाँ पे कि शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, चंबा से शुरुआत हुई थी इसकी, हिमाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजना की। तो जब राजा भूरी सिंह ने हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की, वो कब की थी, तो वो की थी 1908 में। याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल की जो जल विद्युत, पहला क्वेश्चन है ये जल विद्युत परियोजनाओं से, तो पहला तो ये हो गया कि जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हिमाचल में कहां से हुई, तो चंबा आंसर आएगा। नंबर दो, हिमाचल में जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो राजा भूरी सिंह ने की थी, और कब की थी, 1908 में की थी। कब की थी, 1908 में। और मंडी में बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना जो है वो कब बनी है, तो वो है 1932 में। सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना जो है, ठीक है, परियोजना का निर्माण जो है वो जनता को ये समर्पित की गई थी। फिर बाद में तो भूरी सिंह ने जो है बनाई थी, स्टार्ट की थी जल विद्युत परियोजना चंबा से, और मंडी में जो है वो बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना है। बस्सी एक जगह है जोगिंदर नगर के पास, कहाँ पे है, जोगिंदर नगर के पास है, जल विद्युत परियोजना है। और ये 1932 में जो है परियोजना का जो निर्माण कर ये जनता को समर्पित की गई है। और सन 1948 में हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत आपूर्ति जो है वो 550 मेगावाट थी पहले, और वर्ष 1971 में ये हिमाचल प्रदेश जल विद्युत बोर्ड का जो है फिर गठन किया गया, ठीक है। तो वर्ष 1971 में जल विद्युत बोर्ड का गठन हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश जल हिमाचल प्रदेश राज्य जो है विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आएगा 1971 में। हिमाचल प्रदेश में 1988 में 100% विद्युतीकरण लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया था। कब किया था 100%, वो किया था 1988 में। लाहौल स्पीति का जो किब्बर गांव है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपके लिए, लाहौल स्पीति का किब्बर गांव जो है बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा जो है वो गांव है, हाईएस्ट ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर जो है, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है गांव और जहां पर बिजली पहुंचाई गई है, वो है लाहौल स्पीति का किब्बर गांव। और जल विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ है, तो 2001 में इसका गठन हुआ है। कब हुआ है, 2001 में गठन हुआ है। इसी प्रकार से सन 2010 में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत बोर्ड को तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। कितने हिस्सों में विभाजित किया है, तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है। और साथ में बता दूं कि जल विद्युत का उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी को सौंपा गया था। कितनी को सौंपा गया, तीन कंपनीज को सौंपा गया था। कौन कौन सी सब कंपनीज थी, इनको भी ध्यान में रखिएगा। जल विद्युत परियोजना जो है एक ट्रांसमिशन कार्य, जो कि हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया, और राज्य जल विद्युत वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है
वो हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है लिमिटेड को, ठीक है जी। और HPPCL की जो स्थापना है वो हुई थी 2006 में, कब हुई थी 2006 में। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो किस नदी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक की, ये कौन सी नदी से हम सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त करते हैं, वो है सतलुज नदी। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि कितने क्षेत्र पर जो है हम बिजली तैयार करते हैं, तो 27,436 मेगावाट क्षमता का जो है आंकलन किया गया है टोटल, परंतु इसमें से 24,000 मेगावाट का ही दोहन करते हैं, जो यूज है हमारा यानी कि उसको बनाने की प्रोडक्शन है वो है 24,000, ठीक है। और शेष जो योग्यता है वो हमने पर्यावरण को बचाने के लिए हमने उसको छोड़ दिया है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखे, यानी कि हमारा जो पूरा पर्यावरण है वो इससे बचा रहे, उस पर्यावरण को बचाने के लिए जो है हमने उसी परिस्थिति में जो है कुछ मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, परंतु सामाजिक कारणों से त्याग तो कर दिया है, इसलिए सरकार ने जो है निर्धारित लक्ष्य रखा है 24,000 मेगावाट। कितना रखा है? 24,000 मेगावाट रखा है, पर केवल जो है वो 20,912 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन अभी जो हम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बांट रहे हैं। और जल विद्युत के विकास को जो है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में दिया गया है, उनकी भी भागीदारी है, कुछ निजी हैं और कुछ जो है वो सरकारी हैं, और वो गति दे रहे हैं। और सभी प्रदेश को जो है 10,519 मेगावाट की अलग अलग जो क्षेत्रों में है वो दोहन कर रहे हैं बिजली का, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में, हिमाचल सरकार की जल विद्युत परियोजना। तो हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी जो पहली परियोजना आएगी वो है हमारी तरफ से गिरी जल विद्युत परियोजना। अब ये जो 60 मेगावाट की है गिरी नदी पर सिरमौर में, सभी बच्चे नोट करें ध्यान से, गिरी परियोजना कहां पर है और कितने मेगावाट की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, जो कि हमारा कमीशन की तैयारी प्लस जो हमारे HPPSC में पूछे जाता है वो पूछा जाता है मेगावाट। नदी भी पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कम पूछा जाता है, मगर ये डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं आपके पटवारी के एग्जाम्स में, तो ये लेवल है एग्जाम्स के, तो अलग अलग लेवल्स पे पूछते हैं क्वेश्चन। 1964 में बनना शुरू हुई थी ये गिरी जल विद्युत परियोजना, और 66 में बनकर तैयार हुई और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ये पहली परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, गिरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सिरमौर में है, 60 मेगावाट की है प्यारे बच्चों, और गिरी ही नदी पर ही है, इसलिए इसका नाम गिरी जल विद्युत परियोजना रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है भावा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, कौन सी है, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, जिसे हम भावा जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, 120 मेगावाट की है, भावा खड पर है, इसीलिए बेटा मैंने बताया है कि जिस नदी का नाम है उसी नदी से जुड़े हुए जो हैं परियोजनाओं के नाम होते हैं, तो ये भावा खड से है, मगर ये जो भावा खड है ये सतलुज नदी की सहायक खड है, तो इसलिए बता देता हूं, सहायक नदी भी बोल सकते हो या खड बोल सकते हो, और सहायक नदी जो है वो सतलुज की है, और ये जिला किन्नौर में है, कहां पर है, जिला किन्नौर में है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, और 1989 में जो है ये पूर्ण हुई थी, यानी कि कंप्लीट हुई, और एशिया की ये पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। भूमिगत मतलब समझ गए होंगे, अंडरग्राउंड अगर हम बात करें कि जल विद्युत परियोजना कौन सी है हिमाचल की पहली और एशिया की भी पहली, तो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आगे चलते हैं बस्सी जल विद्युत परियोजना। बस्सी मैंने अभी पढ़ाया है आपको, जो कि जोगिंदर नगर के पास है,
60 मेगावाट की है ब्यास नदी मंडी पर, और ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है खियोट जल विद्युत परियोजना 4.50 मेगावाट की है, खियोट नाला पर ही है, चिनाब नदी की सहायक नदी है ये। खियोट नाला किसका सहायक नदी है? चिनाब नदी की है, जो कि लाहौल स्पीति में, कहां पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना 16.95 मेगावाट की है, शिमला जिला में है, और शिमला में कहां पे है? चिड़गांव में। कहां पे है जी? चिड़गांव आंध्रा नदी पर है, जो कि पब्बर की सहायक नदी है। किसकी है? पब्बर नदी की सहायक नदी है। और पब्बर नदी और आंध्रा नदी याद रखिएगा बच्चों, ये शिमला में ही बहती हैं, याद रखने वाली बात है। ये दोनों नदियां कहां हैं? शिमला की नदियां हैं। और बनेर खड 12 मेगावाट की है, जो कि कांगड़ा से साथ धर्मशाला के साथ लगती है, बनेर खड उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट आती है गज परियोजना, जो कि 10.25 मेगावाट की है, कांगड़ा की ही है, और गज और ल्योण खड पर बनी हुई है। ठीक है, दो खड्डों पर बनी है, गज कौन कौन सी है? गज और ल्योण खड पर बनी है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। 10.25 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। नेक्स्ट आ जाता है धानवी जल विद्युत परियोजना। धानवी जल विद्युत परियोजना जो है वो 22.5 मेगावाट की है, शिमला में के जियोरी में है। कहां पे है? जियोरी शिमला, धानवी खड पर है, सतलुज नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है बिनवा जल विद्युत परियोजना, तो ये 6 मेगावाट की है, बैजनाथ में बिनवा नदी पर ही है। ठीक है, इसको ना बानू खड या बिन्नू खड, कई बंदे जो है ना बिन्नू भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बिन्नू खड या बिनवा खड की पर बनी है ये। जो बिनवा खड है ये है, या बानू खड जो है वो है ब्यास नदी की सहायक नदी। किसकी है? ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आ जाती है परियोजना गुम्मा परियोजना, 3 मेगावाट की मंडी में ही है, गुम्मा जगह पर ही है, गुम्मा खड के ऊपर स्थित है। होली परियोजना है, होली में ही है, 3 मेगावाट की भरमौर चंबा रावी नदी पर बनी हुई है, होली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है? होली जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आ जाता है आपका लारजी जल विद्युत परियोजना, जो कि 126 मेगावाट की है, कुल्लू में है, और ब्यास नदी पर बनी है, हिमाचल सरकार द्वारा बनी निर्मित है। यह सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आ जाता है निजी जल विद्युत परियोजना है। निजी मतलब किसी की हेल्प से जो बन रही हैं, या किसी की अपनी पर्सनली जिन्होंने कंपनीज ने तैयार की है, निजी कंपनियों के द्वारा तैयार की गई है, ये वो परियोजनाएं हैं, ना कि किसी ने अपने घर में बनाई हुई। ठीक है, बसपा जल विद्युत परियोजना जो कि 300 मेगावाट की है, किन्नौर में है, बसपा यानी कि सतलुज नदी की सहायक नदी है, उस पर बनी है। नेक्स्ट आती है मलाना, मलाना जो जल विद्युत परियोजना है 86 मेगावाट की, कुल्लू में के मलाना खड पर ही बनी है, और ब्यास की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट आ जाता है यमुना परियोजना, जो कि 131.57 मेगावाट की है, सिरमौर उत्तराखंड के साथ के सहयोग के साथ बनी है, उत्तराखंड के सहयोग से बनी है यमुना नदी की ये पर ये बनाई गई है। किस पर बनाई गई है? यमुना, इसीलिए यमुना जल विद्युत परियोजना इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट आता है चमेरा, चमेरा के 1 और 2 दो पार्ट है, एक 540 मेगावाट का, एक 300 मेगावाट का, दोनों की कॉमन ही रहेगा, रावी नदी पर बनाए गए हैं और चंबा में ही है, और एनएचपीसी द्वारा जो है, एक पहला जो है वो 1994 में, और दूसरी बार 2004 में जो है वो इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट आता है बैरासुल, बैरासुल जो परियोजना है ये 180 मेगावाट की है, बैरासुल खड पर ही है, रावी नदी की सहायक नदी है ये, उस पर बना है, और एनएचपीसी द्वारा जो है ये बनाई जा रही है। एनएचपीसी मतलब एक कंपनी है, कंपनी जो है वो तैयार कर रही है,
1981 में इसको निर्मित किया गया है। इसी प्रकार से ये केंद्र सरकार की साझेदारी, जिसमें केंद्र सरकार की साझेदारी होगी, अब वो वाली जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र सरकार की जो है द्वारा जो चल रही हैं, तो शानन जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट 10 की है, 110 की है, पंजाब राज्य की जल विद्युत परियोजना द्वारा निर्मित और पंजाब के ही अधीन है ये, और मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ये स्थित है शानन जल विद्युत परियोजना, और हिमाचल प्रदेश में बनी है ये जल विद्युत परियोजना 1932 में, और ब्यास की सहायक नदी है रीना नदी, उस पर बनी है उल खड भी कहते हैं इसे, तो रीना नदी भी कहते हैं और उल खड भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है, उस पर बनी है हमारी शानन जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आता है पोंग परियोजना, यानी कि पोंग डैम की बात करें, 396 मेगावाट की है, कांगड़ा के ब्यास नदी पर BBMB यानी कि भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई है। किसने बनाई है? भाखड़ा बांध बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है जी, देहर भी बोल सकते हैं या देरा भी बोल सकते हैं। विद्युत परियोजना है 990 मेगावाट की, कांगड़ा के देहर या देहर खड पर बनी है, ये भी भाखड़ा बांध या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ही बनाई गई है। इसके बाद आता है भाखड़ा परियोजना, ये 1325 मेगावाट की है, बिलासपुर में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी क्या है या किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर 1963 में बनकर तैयार हुई, और ये सबसे ऊंचा बांध भी है जो कि 326 मीटर ऊंचा बांध है ये। नाथपा झाखड़ी परियोजना ये 1500 मेगावाट की है और किन्नौर में है, कहां पे है? किन्नौर में है। केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र मतलब समझ रहे हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर बनाई है, इसलिए सतलुज जल विद्युत निगम को ये ठेका दिया गया है कि वो बनाएगा, और विश्व बैंक में से भी इसको सहयोग मिला है इस परियोजना को। तो ये थे हमारे जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो हमारी मेन क्वेश्चंस उठाए हैं, और भी बड़े से क्वेश्चन जो हैं हम नई क्लासेस में लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास को जो है आपने कंटिन्यू लगाएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।